हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ दिनों से मुर्गी पालने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं देसी मुर्गी लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 3 देसी मुर्गियाँ हैं अभी इसी टाइम में। तो एक मुर्गा है फ्रेंड्स, देखिए ये एक मुर्गा है और ये एक मुर्गी है, देसी वाली है, ये जेड वाइट है। और ये एक मुर्गी है फ्रेंड्स, देखिए वो अच्छे से क्लीन पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये दो मैं लेके आया हूँ, ये वाला और ये वाइट वाला। और ये वाली जो मुर्गी है ये मेरे फ्रेंड्स की है, तो उसका मुर्गे को बिल्ली खा गई, तो इसलिए उसने मेरे को क्रॉसिंग के लिए दे रखी है ये मुर्गी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको खाना डाल रखा है और इधर पिंजरे में ये सब मैंने लकड़ी का बुरादा डाल रखा है। तो मैं आपको एक बार खोल के इसको पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, खाना वगैरह। और ये पिंजरा फ्रेंड्स मैंने घर पे ही बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलके, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मुर्गियां हैं और ऊपर इनके बैठने के लिए है, उधर मैंने लाइट का इंतजाम कर रखा है। इधर मैंने एक ईंट रखी है जिस पे मैं खाना डाल देता हूँ और इससे उस पे से उछल के ये मुर्गियां उधर चली जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको खाने में टमाटर डालता हूँ, प्याज डालता हूँ, शिमला मिर्च डालता हूँ और ये मैंने अमरूद डाला था जिसको इन्होंने खा लिया है, और भी थोड़ा बहुत लहसुन डाल देता हूँ ताकि ये ब्रीडिंग पे जल्दी आ जाए, इसके लिए अंडे देने जल्दी स्टार्ट कर दें। और भी ये हरा लहसुन वगैरह, हरे प्याज वगैरह बहुत कुछ सब्जी खाती है फ्रेंड्स, पत्ता गोभी वगैरह भी खाती है। अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, ये सब भी डाल रहा हूँ। और फीड में मैं देखिए, ये देखिए मैंने ये गेहूं का दलिया डाल रखा है प्लस बाजरा इसमें मिक्स कर रखा है, और ये फीडर बना रखा है फ्रेंड्स मैंने। इसमें नीचे होल कर रखे हैं बड़े बड़े, जिसमें से ऊपर से नीचे आता रहता है और ये पीते रहते हैं। ये मैंने पानी रख रखा है फ्रेंड्स, इधर इनके लिए पानी है। इसमें मैंने एक बड़ा पत्थर रख रखा है ताकि ये गिरे नहीं, देखिए फ्रेंड्स हिलता नहीं है ज़्यादा ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने मैंने इनको इनके बारे में आपको पूरी दे दी है। ये पिंजरे का साइज फ्रेंड्स 3 फीट इसकी हाइट है और चौड़ाई 3.5 फीट है और लंबाई 4 फीट है फ्रेंड्स। इसमें मैंने 3 मुर्गी रखी हुई है, तो 3 मुर्गियों के लिए केज पूरा सही है फ्रेंड्स। 3 मुर्गी इसमें आराम से आ जाएगी, जब इनके बच्चे वगैरह होंगे, अड्डे वगैरह आएंगे तब देखेंगे, तब मैं दूसरा समाधान निकालूंगा इनका क्या है, लेकिन अभी जितना है उतने के लिए ये अभी फिट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा ये नया सेटअप कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स मेरा एक बारी फिर से मेरा रूफटॉप चिकन किचन गार्डन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसमें घिया वगैरह लगना स्टार्ट हो गया, उधर देखिए और फ्रूट्स फ्रूट वगैरह और बहुत काफ़ी सब्जियाँ वेजिटेबल लगानी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस पर सेपरेट वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा। ये मेरा किचन गार्डन है फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है तो, और मेरे मुर्गियों के बारे में बताइए आपको क्या है। और फ्रेंड्स अभी मेरा नया मुर्गी है, मेरे को ज़्यादा मुर्गी के बारे में पता नहीं है, किसी भाई को पता हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा मुर्गियों के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।